वापस आ गए। ये का बात जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये एक इसका वास्ता एक रावी नहीं है, इसके बेशुमार रावी हैं। उस औरत ने अपना वाक्या कई आदमियों के सामने पेश किया। ये जो बात मैं बयान कर रहा हूँ, ये अब्दुल वहाब ने भी इसी तरीके से बयान किया, वही बात मैं बयान कर रहा हूँ। मौलवी अब्दुल मनान साहब उमर ने भी बयान किया, वो जो मौलवी अब्दुल मनान साहब उमर ने बयान किया वही मैं बात बयान कर रहा हूँ, बाकी उन्होंने ज्यादा संगीनी के साथ ये बात बयान की थी। तो इस तरीके से वो सुगरा बेगम दौजा नूरुद्दीन वापस आ गई और बेटी को सब कहा कि बेटा अब हम मजबूर हैं, आप जिसके सामने ये शख्स कहता है अपना आधार पर खोल दो तो खोल दो, मैं तुम्हें यही कह सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ, तुम मजलूम हो, खुदा तुम्हारे गुनाह माफ करेगा, लेकिन अब हम क्या करें, ये वडेरा है, ये बदमाश है। सो वो बेचारी इसके जालमाना हुक्म के सामने अपने उसने फिर आजाद मर को। उस जमाने में दीवान सिंह मफतूर एक नवाबों के किससे ब्याह किया करता था, इसी अब्दुलही ने उसको भी लिखा कि तुम नवाबों के राजाओं के किससे लिखते हो कि इससे उससे बढ़कर ये जालम आदमी है, इसके मुतालिक भी लिखो, मैं आपको आपको लिख रही हूँ बता रही हूँ। खैर उसके पास खत में पहुँचा, ये खत आप नूरुद्दीन के खानदान के अब भी लोग जिंदा हैं पूछ सकते हैं क्या उसने खत लिखा या नहीं लिखा। और दीवान से मफतून ने भी कई आदमियों से इस बात का जिक्र किया कि कादियान में इस किस्म के वाकयात होते हैं। तो इस तरीके से जब उसने खत लिखा अब्दुलही ने तो खत मशहूर हो गया, तो जनाब आला अब्दुलही को जहर देकर मार दिया गया। सब जानते हैं, उसका खानदान जानता है। मैं आमदियों से ये कहूँगा तुम नूरुद्दीन के खानदान के फर्द फर्द के पास जाओ, हर आदमी के पास जाओ, वो बताएगा कि अब्दुलही क्या अब्दुलही को कैसे मारा गया। सब वो इस इत्तेफाक के साथ ये कहेंगे कि उसकी मौत का सबब मिर्जा महमूद अहमद साहब जो उसको जहर देकर मारा गया। ये है अब्दुलही का वाकया।